Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी श्रोतागणों को मेरे तरफ से नमस्कार जो विषय मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ इस विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि तो इस विषय के इंट्रोडक्शन के पहले इस विषय के प्रस्तावना के पहले मैं बता दूं कि बोलने वाला आपके सामने जो खड़ा है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है तो एक बार थोड़ा आप हमारे विषय में जान लें मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय में और उसके पहले मेरा जो उच्च शिक्षा दीक्षा हुई है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है मेरी लॉ की पूरी पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से और उसको पढ़ने के बाद मैं न्यायिक सेवा में भी था आसाम न्यायिक सेवा सर्विसेज में भी मैं था एज अ जुडिशियल ऑफिसर लेकिन उसको क्विट करके फिर मैंने ये प्रोफेसरशिप ज्वाइन किया तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अब हम लोग विषय की बात करते हैं ये जो विषय हम लोगों को डिस्कस करना है आज के मॉड्यूल में इस विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि इस विषय को हमने 20 लेक्चर में डिवाइड किया है तो जो आपके सामने हम एक एक करके लेक्चर देंगे उस लेक्चर में 20 लेक्चर समाहित होंगे तो आज जो है हमारा ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन प्रस्तावना की बात करेंगे जिसमें सब्जेक्ट की रूपरेखा को हम लोग समझेंगे इस एक घंटे के अंदर तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें इसके बाद पहले लेक्चर पे आते हैं ये सब्जेक्ट जो है ये सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि है अगर आप कानून में देखेंगे तो कानून में दो तरीके के कानून होते हैं मुख्य रूप से एक को हम बोलते हैं सारवान विधि और दूसरे को हम बोलते हैं प्रक्रिया विधि तो हम सारवान विधि को नहीं सीपीसी जो है या सिविल प्रक्रिया संहिता जो है या प्रक्रिया विधि का हिस्सा है तो इसमें हम बेसिकली प्रक्रिया विधि को डिस्कस करेंगे अब प्रक्रिया विधि भी दो तरीके की होती है कानून में एक को हम बोलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता और दूसरे को हम बोलते हैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता जब मामला सिविल होता है तो उसमें सिविल प्रक्रिया संहिता कोर्ट ऑफ लॉ में काम करती है और जब मामला आपराधिक होता है तो उसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता कोर्ट ऑफ लॉ में काम करती है अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि कौन मामला सिविल होगा जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता काम करेगी कौन मामला क्रिमिनल होगा जिसमें क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता काम करेगी तो इसके लिए आपको ये जानना है कि जैसे व्यक्तियों के साधारण अधिकारों के हनन का अगर सवाल है जैसे मान लीजिए मेरे सिविल राइट का वायलेशन कर दिया किसी ने हमारे सिविल अधिकार का हनन कर दिया किसी ने और उससे मैं अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा हूँ तो मैं न्यायालय में जाऊंगा और मैं न्यायालय में जाकर के जज साहब के समक्ष अपनी बात रखूंगा तो मैं जिस न्यायालय में अपने साधारण सिविल अधिकार को इंप्लीमेंट कराने के लिए जाऊंगा ऐसे न्यायालय को हम सिविल न्यायालय बोलते हैं और उसमें सारा जो कामकाज होगा वो सिविल प्रक्रिया संहिता के हिसाब से होगा जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वही अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता की बात करें तो उसमें मर्डर है चोरी है डकैती है अगर ऐसा मामला है तब उसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता काम करती है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम प्रक्रिया विधि में सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं जिसमें व्यक्तियों के सिविल अधिकारों का अगर हनन होगा तो न्यायालय में किस तरीके से उपचार प्राप्त करेगा तो उस उपचार प्राप्त करने का सारा तरीका सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा विधि में दिया गया है अब इस विधि के बारे में मैं आपको बता दूं यह विधि ऐसी है मान लीजिए अगर हमारे सिविल अधिकारों का हनन हो गया तो हम कैसे मूव करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में हम कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे मूव करेंगे तो इसके लिए प्रक्रिया बताई गई है प्रक्रिया ये है कि हमको एक प्लांट दाखिल करना होगा सिविल कोर्ट में जज साहब के पास सिविल जज जूनियर डिवीजन जो होंगे सबसे छोटी जो निचली अदालत सिविल कोर्ट होगी उसमें हमको एक प्लांट लेकर के जाना पड़ेगा और प्लेंट की प्रक्रिया जो है वो आदेश सात सीपीसी में दिया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात में दिया गया है तो उस तरीके से हमको प्लांट लेकर के जाना पड़ेगा प्लांट में जो भी हमारी ग्रीवेंसेस है जो भी हमको दिक्कत है जिस लिए मैं पीड़ित हूं वो सारी बातें मैं प्लांट में लिखूंगा और कोर्ट में लेके जाऊंगा जब कोर्ट में प्लांट लेकर मैं जाऊंगा तो कोर्ट का, का काम क्या होगा वो दूसरे पक्षकार को बुलाएगा जिसके खिलाफ हमने मुकदमा दाखिल किया है जब दूसरे पक्षकार को कोर्ट बुलाएगी तो उसको हम बोलते हैं लिखित कथन यह आदेश आठ में दिया गया है लिखित कथन के तहत दूसरा पक्षकार आएगा जब दूसरा पक्ष का आएगा तो अपनी बात रखेगा मैं कहूंगा कि इन्होंने हमको गाली दिया है वो कहेगा हमने गाली नहीं दिया है तो जिस 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 प्रपत्र में मैं कहूंगा कि हमने गाली दिया है उसको वादपत्र कहते कर, हैं और जिस और प्रपत्र में वो कहेगा हमने गाली नहीं दिया है उसको हम बोलते हैं लिखित कथन अंग्रेजी में उसको रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं तो इस तरीके से पत्र और लिखित कथन कोर्ट में प्रस्तुत हो जाएगा दोनों के आधार पर न्यायालय क्या करेगी न्यायालय विवादकों की विरचना करेगी जिसको इशूज फ्रेमिंग की बात करते हैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं विवादकों की विरचना करेगी क्या क्या विवाद है पार्टियों के बीच में इसकी विरचना करेगी कोर्ट विवाद एक हो सकता है विवाद दस हो सकता है जितने विवाद होंगे कोर्ट उसकी विरचना करेगी हर विवादों पर साक्ष्य मंगाए जाएंगे हर विवादों पर गवाह मंगाए जाएंगे और गवाहों और साक्ष्य के आधार पे कोर्ट में परीक्षाएं होंगी जिसको हम बोलते हैं मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा तो ये तीन परीक्षाएं होंगी तीनों परीक्षाओं के आधार पे कोर्ट मामले को निस्तारित करेगी कि सही में हमारा सिविल राइट वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है अगर सिविल राइट का हमारा वायलेशन हुआ है तो कोर्ट सारे मामले को हमारे फेवर में डिसाइड कर देगी और अगर नहीं हुआ है तो अपोजिट पक्षकार के फेवर में डिसाइड कर देगी जिस डॉक्यूमेंट के तहत कोर्ट डिसाइड करेगी उसको हम जजमेंट डिक्री और आर्डर बोलते हैं जजमेंट डिक्री और ऑर्डर इसको हम निर्णय बोलते हैं आज्ञप्ति बोलते हैं और आदेश बोलते हैं इस सीपीसी की भाषा में तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा विधि का माने यह सिविल प्रोसीजर है यह सिविल प्रक्रिया की बात करती है और केवल सिविल अधिकारों के हनन के मामले में आप कोर्ट के न्यायालय के जुडिस्टिक्शन को आप इन्वोक कर सकते हैं कैसे इन्वोक कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया प्लेंट के थ्रू रिटेन स्टेटमेंट के थ्रू विवाद्यक विरचना होगी एविडेंसेस मंगाए जाएंगे और लास्ट में कोर्ट निर्णय कर देगी तो ये एक साधारण सा मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताने का प्रयास किया ये है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि अब आगे हम लोग देखते हैं पहला लेक्चर जो इस विषय का होगा उसमें है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा संक्षिप्त अवलोकन यह हमारे लेक्चर का पहले लेक्चर का टॉपिक है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि का एक संक्षिप्त अवलोकन हम करने जा रहे हैं जैसे हम कहते हैं कि भाई एक तरीके से हम दृष्टिपात करें इस पे और दृष्टिपात करने के बाद हम देखें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं ये कानून कैसे आया ये कैसे आगे डेवलप हुआ और इसमें कितनी धाराएं हैं कितने प्रावधान हैं ये सारी चीज हम लोग इसमें देखेंगे तो इसको हम बोल रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा संक्षिप्त अवलोकन तो ये हमारे पहले लेक्चर का मॉड्यूल है संक्षिप्त अवलोकन ऐसे ही ऐसे हमारे पास बीस मॉड्यूल हैं और हर एक लेक्चर में हम सिविल प्रक्रिया संहिता के अलग अलग मॉड्यूल की बात करेंगे तो जो पहला लेक्चर है इसमें हम पहले मॉड्यूल की बात कर रहे हैं जिसमें हम संक्षिप्त अवलोकन करने जा रहे हैं अब देखिए संक्षिप्त अवलोकन में हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि इस विषय का उद्देश्य और महत्व तो क्या है इस विषय का क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है तो इसके उद्देश्य और महत्व को समझने के लिए तीन बिंदुओं पर हम बात करेंगे जो तीनों बिंदु आपको स्लाइड में दिख रहा है पहला बिंदु है सिविल प्रक्रिया संगीता क्या है दूसरा बिंदु है इसका विधि शास्त्रीय आधार क्या है और तीसरा बिंदु है इसका संवैधानिक आधार क्या है तो इन तीन चीजों पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं सिविल प्रक्रिया संगीता क्या है अब ध्यान दीजिए सिविल प्रक्रिया संगीता क्या है तो इसको हमको जानना है कि इसका प्रकृति क्या है यह क्या सारवान विधि है कि प्रक्रिया विधि है सारवान विधि का क्या मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं सारवान विधि का मतलब वह कानून जिसके तहत व्यक्तियों के अधिकार दायित्व तो, कर्तव्य का एक तरीके से इनको दिया जाता है प्रदान किया जाता है व्यक्तियों के अधिकारों को प्रदान करना कर्तव्यों को प्रदान करना इसको हम बोलते हैं सारवान विधि तो वह कानून जिससे व्यक्तियों के अधिकार दायित्व तो, कर्तव्यों को प्रदान किया जाता है यह सारवान विधि है और वह कानून जिससे इन अधिकार दायित्व और कर्तव्यों का इंप्लीमेंटेशन होता है इनका अनुप्रयोग होता है इसको हम बोलते हैं प्रक्रिया विधि तो ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता है ये किस चीज की बात करती है ये प्रक्रिया विधि की बात करती है कि आपके सिविल राइट्स को आपके सिविल अधिकारों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता में इस चीज की बात की गई है तो जब भी आपसे अगर आपके दिमाग में आए कि सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है यह किस तरीके का कानून है तो आपका उत्तर इसमें होना चाहिए यह प्रक्रियात्मक कानून है न कि यह कानून है क्योंकि सारवान कानून होता तो यह अधिकार कर्तव्य और दायित्व को अधिरोपित करता है ये ऐसा नहीं कर रहा है यह बता रहा है अधिकार दायित्व को कैसे आप लागू करेंगे इसलिए हम इसको प्रक्रिया विधि बोलेंगे तो यह इसका आंसर है यह इसका उत्तर है यह प्रक्रिया विधि है तो यह क्या

तमाम प्रिंसिपल को जैसे विदेश शास्त्र में कई स्कूल काम करते हैं कई स्कूल हैं उसमें एक स्कूल है बहुत ही सेलिब्रेटेड स्कूल है जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ जोरू स्टूडेंट एनालिटिकल स्कूल ऑफ जोर स्टूडेंट्स का जो प्रोपाउंडर है वो है जॉन ऑस्टिन और जॉन ऑस्टिन कहता है कानून क्या है बड़े साधारण भाषा में आपको बताऊं वो कहता है कानून संप्रभु का समादेश है इसका मतलब जो संप्रभु कहता है जो राज्य कहता है राज्य का आदेश ही कानून है ऐसा वो बताता है अब सीपीसी में अगर आप देखेंगे तो क्या सीपीसी में राज्य का आदेश है तो आपको कई ऐसे प्रावधान मिलेंगे कि अगर उस प्रावधानों को आप कायदे से पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है इसका मतलब उसमें ऐसे प्रावधान है कि आपको मानना ही होगा अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ दंड की व्यवस्था है तो इसलिए आप देखेंगे सीपीसी में संप्रभु का समादेश समाहित है आपको करना ही होगा नहीं करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा तो आस्टिन का जो आ, संप्रभु का समादेश वाला जो कानून है वो सीपीसी में आपको दिखेगा दूसरा अगर आप देखेंगे आपके पास जुरूस विधि शास्त्र का दूसरा स्कूल है जिसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक शाखा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरूस उसमें आप देखेंगे तो उसका प्रोपाउंडर है सेविनी कहता है कानून क्या है वो कहता है कानून वॉक जिस्ट है वॉक 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 जिस्ट 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 को एक लाइन में एक्सप्लेन करता है 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 वो कहता है जिस्ट का मतलब लोक चेतना की अभिव्यक्ति तो कानून लोक चेतना की अभिव्यक्ति है जो आदमी सोचता है और जो विचारित करता है वही कानून है हम सोच रहे हैं कुछ और कानून आपने बना दिया कुछ जैसे मान लीजिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम हम दहेज लेने देने के लिए तैयार हैं सारे लोग और कानून कहता है नहीं दहेज लेना और देना दोनों अपराध है तो क्या इसको आप रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे क्योंकि लोगों का सोचना क्या है वो कानून लेने और देने के लिए तत्पर है आप कानून बना के रोक ही नहीं सकते तो सेविनी का ये कहना है कि भाई ये तो ये तो लोक चेतना की अभिव्यक्ति है कानून तो हर कानून में लोक चेतना होनी चाहिए अब सीपीसी में आइए देखिए इसमें लोक चेतना है कि नहीं है सीपीसी के तमाम प्रावधान हम इस बीस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिसमें आपको यह पता चलेगा कि कई ऐसे प्रावधान है जिसमें आपको दिखेगा हाँ इसमें लोक चेतना की अभिव्यक्ति है आदमी जो चाहता है वही चीज इसमें लिखा हुआ है जो भारत की जनता के लिए सूट करता है वही चीज इसमें लिखा हुआ है तो एक तरीके से जैसे आप देखेंगे आर्डर थर्टी है हमारे पास सीपीसी में आर्डर आदेश तैतीस इसमें गरीब व्यक्ति मुकदमा दाखिल कर सकता है गरीब से गरीब आदमी जिसके पास एक रुपया भी नहीं है वो भी मुकदमा दाखिल कर सकता है उसको एक रुपया नहीं कर, खर्च करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में उसको कोर्ट फीस भी नहीं जमा करना पड़ेगा ये सारे उसके खर्चों का निर्वहन कौन करेगा सरकार करेगी तो इस तरीके से आप देखेंगे तो गरीब के द्वारा बात दाखिल करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में बात की गई है तो ये लोक चेतना की अभिव्यक्ति है क्योंकि हमारी लोक चेतना क्या कहती है गरीबों का संरक्षण होना चाहिए उनका अपलिफमेंट होना चाहिए सरकार के द्वारा उसकी मदद होनी चाहिए ये लोक चेतना है और ये लोक चेतना आपको आदेश 33 में सीपीसी के दिख जाएगी इसी तरीके से एक नहीं नंबर ऑफ आप एग्जाम्पल आपको सिविल प्रोसीजर कोड में मिलेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता में मिलेंगे जिसमें लोक चेतना की अभिव्यक्ति आपको दिख जाएगी इसी तरीके से आप देखेंगे विधि शास्त्र कहता है न्याय सबको मिलनी चाहिए तो न्याय सबको मिलनी चाहिए तो कैसे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है अगर आप देखेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जरूर स्टूडेंट्स तो उसमें हितों के संरक्षण की बात करी गई है सीपीसी को अगर देखेंगे क्या इसमें हितों का संरक्षण है सीपीसी के तमाम ऐसे प्रावधान है जिसमें हितों के संरक्षण की बात की गई है तो उसमें आप देखेंगे कैसे जनता जनार्दन के हितों का संरक्षण करती है सिविल प्रक्रिया संहिता उनके सिविल अधिकारों की रक्षा करके तो इस तरीके से आपको सामाजिक विधि शास्त्र भी दिखेगा इसमें तो एक दो तीन मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर हम सारी बात करेंगे तो एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको बताया कि विधि शास्त्रीय आधार सिविल प्रक्रिया संगीता का बहुत जबरदस्त है क्योंकि विधि शास्त्र के सारे स्कूल एक या दूसरे रूप में इसको आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारे इस स्लाइड का वो है संवैधानिक आधार माने सिविल प्रक्रिया संगीता का संवैधानिक आधार क्या है क्योंकि संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है इसलिए हम लोगों को यह जानना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का संवैधानिक आधार क्या है सबसे बड़े कानून के आधार पर चलता है कि नहीं चलता है क्योंकि देश का सारा कानून संविधान के अनुरूप ही चलेगा यह संविधान में लिखा हुआ है अनुराप संविधान के प्रतिकूल कोई नहीं चलेगा सबको संविधान के अनुरूप चलना पड़ेगा यह लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद तेरह में कोई भी कानून मूल अधिकारों के उल्लंघन में नहीं बनाया जाएगा राज्य अगर कोई भी कानून मूल अधिकारों के उल्लंघन में बनाता है तो उस कानून का जो मूल्य होगा वो जीरो होगा शून्य होगा उसका विधि में कोई उपयोग नहीं होगा वो असंवैधानिक हो जाएगी ये संविधान के अनुच्छेद तेरह में लिखा हुआ है तो हम लोगों को सीपीसी को देखना है कि क्या सीपीसी मूल अधिकारों को प्रवर्तित करती है और यह संविधान के भाषा के अनुरूप चलती है कि नहीं चलती है तो एक दो उदाहरण में संविधान से लू इसमें अगर आप देखेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना एकदम शुरू शुरू में जो संविधान में लिखा हुआ है संविधान की प्रस्तावना mm. उसमें आप देखेंगे तो संविधान के प्रस्तावना mm. में संविधान के उद्देश्यों की बात की गई है एक उद्देश्य का मैं यहां पे जिक्र करना चाहूंगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित है वो उद्देश्य है न्याय सबको मिलनी चाहिए और न्याय कैसी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलनी चाहिए इस तरीके की बात है अब ध्यान दीजिए सिविल प्रक्रिया संहिता में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है कैसे अभी मैंने आपको बताया आदेश तैतीस में गरीब के द्वारा मुकदमा दाखिल करने का प्रक्रिया है आप देखेंगे आदेश आदेश है में एक अवयस्क लड़का जो छोटा बच्चा है या लड़की है जो माइनर है जो एज अपने एडल्ट एज को जिसने नहीं अभी प्राप्त किया है वो क्या करेगा वो भी मुकदमा दाखिल कर सकता है किसके तरफ से उसके तरफ से उसका नेक्स्ट फ्रेंड आएगा नेक्स्ट फ्रेंड को बोलते हैं हम वाद मित्र, वाद मित्र अपॉइंट किया जाएगा और वह वाद मित्र क्या करेगा वो उसके भी आपसे सूट फाइल करेगा तो छोटा बच्चा भी सूट फाइल कर सकता है गरीब आदमी भी सूट फाइल कर सकता है महिला भी सूट फाइल कर सकती है डाउन ट्रोडन सोसाइटी का आदमी है जिसके पास रहने खाने का नहीं है जो अपने अधिकारों के ज्यादा बहुत सचेत नहीं है उसके द्वारा भी सूट फाइल किया जा सकता है तो सीपीसी में ये सारी व्यवस्था दी गई है तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो सीपीसी में सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का बहुत अच्छा समावेश है जो संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है क्लियरली। तो केवल संविधान की प्रस्तावना ही नहीं अगर संविधान में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखेगा मूल अधिकार मूल अधिकारों में आप देखेंगे हमारे भारत के संविधान में कई मूल अधिकार नागरिकों को समर्पित है और लोगों को समर्पित है जिसमें समानता का अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार है इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है एजुकेशनल और कल्चरल राइट की बात की गई है तो कई संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं वो सारे मूल अधिकारों का रिफ्लेक्शन जो स्टेच्यूटरी रिफ्लेक्शन है वो आप सीपीसी में देख सकते हैं क्योंकि वो सारे इक्वालिटी जैसे समानता का अधिकार सीपीसी में भी है कोई भी सूट फाइल कर सकता है उसमें कोई असमानता की बात नहीं है ऐसा नहीं है पुरुष सूट फाइल करेगा महिला नहीं करेगी बड़ा आदमी करेगा बच्चा नहीं करेगा धनी आदमी करेगा गरीब नहीं करेगा ऐसी कोई बात नहीं है सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है अलग अलग प्रावधान किए गए हैं तो इक्वालिटी के समानता के अधिकार को सीपीसी समाहित करती है इसी तरीके से सारे मूल अधिकारों को सीपीसी अपने अंदर समाहित करती है तो मूल अधिकारों की अगर बात करेंगे तो ये है संविधान में अगर आगे आप जाएंगे तो हमारे पास है नीति निर्देशक तत्व संविधान की भाग चार में नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या है निर्देशक तत्व में क्या है वहां पे राज्य के कर्तव्य को बताया गया है कि राज्य क्या करेगा जनता के अच्छे के लिए जनता के भविष्य के अच्छे के लिए राज्य का क्या, क्या दायित्व तो है तो उसमें तमाम निर्देशक तत्व तमाम पॉलिसी गिनाई गई हैं कि राज्य ये करने का फ्यूचर में प्रयास करेगा और एक दो नहीं उसमें आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पॉलिसी इनोबरेट करी गई हैं तो वो सारी चीज आप सीपीसी में देखेंगे अगर हमारा सिविल राइट वायलेट हुआ है और हम सूट फाइल करने जा रहे हैं सिविल कोर्ट को हमारा सूट स्वीकार करना ही होगा तो इस तरीके से आप देखेंगे ना तो ये सब तरीके के उद्देश्यों को सीपीसी अपने अंदर समाहित करती है तो संवैधानिक आधार की अगर हम बात करें तो संविधान की प्रस्तावना से लेके मूल अधिकार से लेके नीति निर्देशक तत्व से लेके सब कुछ के जो जिस्ट हैं वो सीपीसी से रिफ्लेक्ट होते रहते हैं तो ये इसका संवैधानिक आधार है तो इस तरीके से हम लोगों ने इस विषय के उद्देश्य तथा महत्व को समझा जिसमें हम लोग ये जाने कि सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है तो हम लोगों ने देखा यह प्रक्रियात्मक विधि है दूसरा हम लोगों ने देखा इसका विधि शास्त्रीय आधार है क्योंकि विधि शास्त्र के तमाम स्कूल को ही अपने अंदर समाहित करे हुए तीसरा हम लोगों ने देखा इसका संवैधानिक भी आधार है क्योंकि संविधान के महत्वपूर्ण भागों को सीपीसी एक तरीके से या दूसरे तरीके से अपने अंदर समाहित करती है इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम दूसरा जो है ऐतिहासिक विकास सीपीसी के ऐतिहासिक विकास की बात करी गई है अगर सीपीसी के ऐतिहासिक विकास की आप बात करेंगे तो इसमें कई पॉइंट हैं यहां पे दिखेंगे आपको जो स्लाइड में दिख रहा है आपको ऐतिहासिक विकास तो ये जो सीपीसी है ये कब बनी है ये बनी है उन्नीस में अगर आज इसका ईयर ऑफ इनेक्टमेंट आप देखेंगे तो सिविल प्रक्रिया संहिता अठारह उन्नीस सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आपको दिखेगी 1908 के पहले क्या सिचुएशन था कैसी सीपीसी थी तो ये हमको ऐतिहासिक विकास में देखने को मिलेगा अब ऐतिहासिक विकास की आप बात करें अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो 1859 के पहले कोई भी सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं थी इस देश में कोई भी सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं थी 1859 के पहले तो क्या चलता था सिविल अधिकारों का संरक्षण कैसे होता था क्योंकि उस समय ब्रिटिश डोमिनियन था ब्रिटिश रिजीम था और ब्रिटिश रूल करते थे हमारे ऊपर तो उस समय क्या था हमारे अधिकारों का संरक्षण कैसे होता था यह बिखरा हुआ प्रोसीजर था क्योंकि अलग अलग राज्य हुआ करते थे देश बहुत बड़ा था कहीं कोई राजा है कहीं कोई राजा है और वो ब्रिटिश के द्वारा रूल करे जाते थे तो किसी के यहां कुछ प्रक्रिया चलती थी किसी के यहां कुछ प्रक्रिया चलती थी तो एक तरीके से कोई कानून नहीं था जो पूरे देश पे लागू हो जाए 1859 के पहले कुछ ऐसा नहीं था 1859 बड़ा लैंडमार्क ईयर था बहुत ही लैंडमार्क वर्ष है जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता को कोडीफाई करने का प्रयास किया गया और जब यह कोडीफाई हुई तो सबसे पहले प्रेसिडेंसी नगर में लागू हुई भारत में जब अंग्रेज आए तो तीन प्रेसिडेंसी नगर थे एक था कलकत्ता दूसरा था मद्रास और तीसरा था बॉम्बे तो ये तीनों प्रेसिडेंसी नगर में 1859 में सबसे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता को कोडीफाई किया गया लेकिन जब कोडिफाई किया गया तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता केवल प्रेसिडेंसी टाउन में ही चलती थी बंद्रास कलका और बॉम्बे में चलती थी और कहीं नहीं चलती थी तो फिर भी यह बंद तो गई ये लिख तो गई लेकिन पूरे देश में यह लागू हुई ऐसी बात नहीं थी पूरे देश में लागू नहीं हुई इसके बाद क्या हुआ आगे अठारह में नई सिविल प्रक्रिया संहिता बनी जो पूरे देश में एक साथ लागू हो गई अठारह में और इसके बाद अट्ठारह में इसमें फिर अमेंडमेंट भी हुआ संशोधन भी हुआ क्योंकि ये पूरे काम को पूरे सिविल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती थी तो अठारह में इसमें संशोधन कर दिया गया और ये लगभग लगभग हर जगह लागू हुई इसके बाद जो जो इसमें कमियां थी उस कमियों को दूर करते हुए 1908 में सिविल प्रक्रिया संहिता बनाई गई जो आज भी अगर आप देखेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता को तो सिविल प्रक्रिया संहिता का जो वर्ष है वो 1908 है तो ये 1908 में बनाई गई तो इसीलिए इसका नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्योंकि इसका ईयर ऑफ इनेक्टमेंट 1908 है हालांकि उसके पहले इनेक्टमेंट हुई थी मैंने अभी आपको बताया लेकिन वो जो इनेक्टमेंट हुई थी वो कुछ जगह पे चलती थी प्रेसिडेंसी टाउन्स में चलती थी पूरे देश पे लागू नहीं होती थी 1908 वाला कानून ऐसा था जो पूरे देश में लागू हो गया तो इस तरीके से इसका एक ऐतिहासिक विकास हम लोगों ने देखा कि 1859 के पहले कोई भी कोडिफाइड कानून इस तरीके से नहीं था 1859 में कोडिफाई भी हुआ तो प्रेसिडेंसी टाउन में चला जो उसमें कमियां थी उसको फर्दर अमेंडमेंट किया गया लेकिन लास्ट में पूरे देश में जो ये कानून लागू हुआ वो 1908 में लागू हुआ और जो आज भी इस देश में चल रहा है तो ये था ऐतिहासिक विकास सीपीसी का शुरू से लेकर के और जब तक यह कानून के रूप में आई तब तक का एक हम लोगों ने ऐतिहासिक विकास देख लिया अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता में महत्वपूर्ण संशोधन तो आगे आने के बाद 1908 में बंद हो तो गई लेकिन क्या 1908 का ही कानून आज भी चल रहा है हमारे यहां ऐसी बात नहीं है तो हमारे दिमाग से इस मिथक को निकाल देना है कि नहीं 1908 का ये कानून आज भी चल रहा है ना ना ऐसी बात नहीं है यह कानून 1908 में बहुत इसमें संशोधन हुआ बाद में और जो ईयर यहां पे लिखे हुए हैं अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो सबसे पहला ईयर था उन्नीस उन्नीस में क्योंकि हमारा देश आजाद हो गया 1950 में 1950 में भारत का संविधान भी आ गया संविधान के अनुरूप इसमें संशोधन किया गया भारतीय संसद के द्वारा और उन्नीस में सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन हुआ संशोधन करके जो सूट करता था भारत के नागरिकों को वो सारी चीजें इसमें इनकारपोरेट किया गया तो उन्नीस वो पहला वर्ष था जो स्वतंत्रता के बाद सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन हुआ इसके बाद उन्नीस आया 1956 में फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए फिर कुछ संशोधन किए गए जो समय के हिसाब से जरूरत पड़ी उसमें फिर संशोधन किया गया इसके बाद उन्नीस सौ छिहत्तर में फिर भी जो कमियां हुई क्योंकि देखिए कानून को समाज में चलना है समाज प्रोग्रेसिव है समाज आगे बढ़ रहा है तो कानून भी समाज के हिसाब से आगे बढ़ेगा यह नेचुरल सी बात है तो जब आगे बढ़ेगा 10 साल 20 साल बीतता है तो कानून में संशोधन होते हैं क्योंकि समाज की जरूरतें बढ़ गई या बदल गई लेकिन कानून पुरानी बातें कर रहा है तो उस कानून में नई चीजों को डाल करके समाज की जरूरतों के हिसाब से हम उसको एडवांस करते हैं तो उन्नीस में फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ ताकि ये समाज की जरूरतों को पूरा कर सके इसके बाद उन्नीस में इसमें अमेंडमेंट हुआ उन्नीस में इसके बाद दो में इसमें अमेंडमेंट हुआ ये उन्नीस और दो का जो अमेंडमेंट था ये बड़ा लैंडमार्क अमेंडमेंट था यह संशोधन बहुत लैंडमार्क थे और इसमें तमाम ऐसे संशोधन किए गए चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता बड़ी धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया थी इस धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया को थोड़ा स्पीड अप कर दिया गया इन दोनों अमेंडमेंट के द्वारा उन्नीस और 2002 हजार दो स्पीडअप का मतलब है कि जो तारीख पे तारीख पड़ती थी जो मुकदमे सालों सालों पेंडिंग रहते थे क्योंकि केवल और केवल उसमें स्थगन ले लिया जाता था वकील साहब लोगों के द्वारा उसको रोक दिया सीपीसी ने सीपीसी ने कहा कि भाई स्थगन लेने का एडजर्नमेंट लेने का एक लिमिट है और तीन बार से ज्यादा आप एडजर्नमेंट नहीं करेंगे ये अगर पढ़ेंगे आप आदेश सत्र सिविल प्रक्रिया संहिता का तो उसमें आपको मिल जाएगा एडजर्नमेंट की बात की गई है उसमें स्थगन की बात की गई है तो तीन बार से ज्यादा उसमें स्थगन नहीं मिलेगा ऐसा कर दिया गया तो तारीख पे तारीख और इजी डिस्पोजल की प्रक्रिया को इसमें लागू कर दिया गया उन्नीस और दो हजार के बाद भी कई अमेंडमेंट हुए हैं जैसे मैंने दो की बात कर रहा हूं इसमें भी कुछ माइनर अमेंडमेंट हुए बहुत मेजर तो नहीं हुए लेकिन छोटे छोटे अमेंडमेंट इधर भी हुए हैं और इस तरीके से ग्रेजुअल प्रोसेस है कानून में अमेंडमेंट का संशोधन का ताकि ये समाज की जरूरतों को पूरा कर सके तो इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि 1908 में जो संगीता बनी सिविल प्रक्रिया संगीता बनी ऐसा नहीं है 1908 में जो अंग्रेजों ने बना दिया उसी को 2024 तक हम ढो रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है इसमें हम लोगों ने तुरंत संविधान आने के बाद और देश के स्वतंत्रता के बाद हमने इसमें तमाम विकास किया है और उन्नीस से लेकर के जितनी जर्नी आप देख रहे हैं जो स्लाइड में आपको दिख रही है ईयर वाइज ये सब विकास है और इस विकास में हम लोगों ने सीपीसी को ऐसे अमेंड किया उन्नीस सौ इक्यावन उन्नीस सौ छप्पन उन्नीस सौ तो इस तरीके से आगे तक इसमें संशोधन हुआ अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अगला जो टॉपिक है हमारे पहले लेक्चर का वो है विधिक प्रारूप अब हम लोग ये तो समझ गए कि सीपीसी क्या है ये सिविल अधिकारों को संरक्षित करती है इसमें संवैधानिक प्रावधान को भी कॉपअप करती है यह जुरुसपुडेंशियल प्रिंसिपल को भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करती है हम लोगों ने यह भी देख लिया ये कैसे शुरू हुई कैसे कानून के रूप में आई अब हम लोगों को देखना है इसका विधिक प्रारूप क्या है जो सीपीसी आज हमारे सामने है जिसको आज हम पढ़ते पढ़ाते हैं और जिसको हम न्यायालयों में लागू करते हैं उसमें कितनी धाराएं कितने उसमें आदेश हैं कितने रूल्स हैं ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर या जिसको हम बोलते हैं विधिक प्रारूप तो विधिक प्रारूप इसका ये है इसमें कुल कितनी धाराएं हैं इसमें कुल एक धाराएं हैं वन है. लिखा हुआ है स्लाइड में आपको दिखेगा वन धाराएं हैं यह 158 धाराओं को 11 भाग में बांटा गया है तो 11 इन एक धाराओं को 11 भाग में सीपीसी बांटती है तो कुल 11 भाग है उस 11 भाग में कुल मिलाकर के एक सेक्शन है इसके अलावा सेक्शन के अलावा इसमें इक्यावन आर्डर्स हैं आदेश बोलते हैं इसमें तो इक्यावन आदेश हैं यह पहली अनुसूची में है तो एक ही अनुसूची है सीपीसी में उस अनुसूची में इक्यावन आर्डर्स हैं इक्यावन आदेश हैं अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई जब इसमें धाराएं हैं तो केवल धाराएं ही होती या आदेश है तो आदेश ही होता एक ऐसा कानून है जिसमें कुछ धाराएं हैं कुछ आदेश हैं तो ये दो दो चीज क्यों इसमें इनकारपोरेट कर दिया गया तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो धाराएं हैं ना ये धाराएं एक तरीके से बहुत ही सब्सटेंटिव प्रोविजन की बात करती हैं सारवान पॉइंट की बात करती हैं तो सारवान जो पॉइंट थे उनको धाराओं में समाहित कर दिया गया विधायिका के द्वारा और जो प्योरली प्रोसीजरल पार्ट था जो शुद्ध प्रक्रियात्मक कानून था उसको उन लोगों ने आदेशों के रूप में ले आए। और ये आदेश कुछ भी नहीं है आप देखेंगे इक्यावन आदेश है उसमें इस इक्यावन आदेश में केवल नियमों का संग्रह है ये सारे आदेश नियमों का संग्रह है जैसे आप आदेश एक की अगर बात करेंगे आदेश एक सिविल मामले में पक्षकारों की बात करता है पक्षकार सिविल न्यायालय में कौन हो सकते हैं सिविल मामले में पक्षकार कौन हो सकते हैं यह बात करता है आदेश एक तो आदेश एक में अगर आप जाएंगे तो आदेश एक में होगा नियम एक नियम दो नियम तीन नियम चार नियम पांच ऐसे करके कई नियमों का संग्रह है फिर आप आदेश दो पे जाएंगे ये भी कुछ नहीं है ये भी नियमों का संग्रह है आदेश दो दूसरी बात करेगा आदेश तीन तीसरे पॉइंट की बात करेगा फिर उसमें भी नियमों का संग्रह है ऐसे ऐसे करके हमारे पास इक्यावन आदेश है ये जो इक्यावन आदेश है यह प्रक्रिया की बात करते हैं ये जो एक सौ अंठावन सेक्शन है जो ग्यारह भागों में डिवाइडेड है ये सारवान विधि की बात करते हैं तो ये सीपीसी इसलिए दो भागों में है जो सारवान तरीके का चरित्र है इसका वो धाराओं में है और जो प्रक्रियात्मक तरीके का इसका चरित्र है वो आदेशों और रूल्स में है नियमों में है आदेशों में और नियमों में है जिसको ऑर्डर्स और रूल्स बोलते हैं ठीक है तो यह था विधिक प्रारूप इसका एक सेक्शन ग्यारह भाग में डिवाइडेड इक्यावन आर्डर्स अनुसूची वन में डिवाइडेड और का क्या रोल है यह प्रक्रियात्मक तरीके का है और सेक्शन जो है सार्वान तरीके का है तो यह विधिक प्रारूप था अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो एक अवलोकन पूरी सीपीसी का मैंने इस चार्ट में बताने का प्रयास किया है अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर एक से लेकर पॉइंट नंबर बारह तक इसमें सारी बातें बताई गई हैं एक तरीके से पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सीपीसी का अवलोकन एक संक्षिप्त अवलोकन है सब कुछ लिखा हुआ है जैसे मैं आपको बताऊं सबसे पहला नंबर का पॉइंट है प्रारंभिक यह प्रारंभिक है इसके शीर्षक का नाम भी है प्रारंभिक इसमें धारा एक से लेकर आठ तक है धारा एक से आठ तक इसमें केवल दो आदेश पढ़ते हैं धारा एक से आठ के बीच में आदेश पचास और आदेश इक्यावन पढ़ते हैं यह धारा एक से लेकर आठ तक क्या है धारा एक से लेकर आठ तक सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रारंभिक चीजों की बात करती है जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर आपको बता दूं धारा दो धारा दो में मुख्य परिभाषाएं हैं सीपीसी के अंदर जो कठिन से कठिन विधिक शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके परिभाषाओं का संग्रह है धारा तो धारा दो जिसमें आप देखेंगे डिक्री की डेफिनेशन है डिक्री की परिभाषा सिविल न्यायालय की डिक्री का क्या मतलब सिविल न्यायालय के आदेश का क्या मतलब सिविल न्यायालय के जजमेंट का निर्णय का क्या मतलब यह डिफाइन किया गया उसमें धारा दो सब धारा दो अगर आप देखेंगे तो डिक्री की परिभाषा है दो नौ में जजमेंट की परिभाषा है दो चौदह में आर्डर की परिभाषा है आदेश की परिभाषा है दो ग्यारह में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की परिभाषा है दो बारह में मीन प्रॉफिट की परिभाषा इस तरीके से मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं धारा दो में उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक बड़ी मुख्य धारा इसमें आएगी धारा नौ इसी बीच में क्योंकि धारा एक से आठ की बात कर रहे हैं पहले पॉइंट में धारा नौ धारा नौ बड़ी मुख्य धारा है यह क्या बताती है यह बताती है कि सिविल प्रकृति का वाद क्या है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे सिविल प्रकृति का वाद क्या है तो ये धारा नौ में बताया गया है क्योंकि सीपीसी को अगर आपको मोशन में ले आना है तो ये सारी मुख्य परिभाषाएं थी जिसको हम लोगों ने देखा अब धारा नौ की हम लोग बात करते हैं, जो एक धारा है इसमें धारा नौ है और धारा नौ में बताया गया है सिविल प्रकृति का वाद क्या है तो सीपीसी को अगर मोशन में लाना है तो आपको धारा नौ पे जाना पड़ेगा आपको सीपीसी को मोशन में लाने के लिए कोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि जो मैं बात लेके आया हूं ये हमारा वाद सिविल प्रकृति का है अगर सिविल प्रकृति का वाद है तभी सिविल कोर्ट आपके मामले को सुनेगी नहीं तो कहेगी कि भाई यह हमारा मामला नहीं है क्रिमिनल मामला है या और कोई मामला है आप किसी दूसरे अदालत में जाए लेकिन अगर इसका मामला होगा तभी यह कोर्ट सुनेगी तो क्वेश्चन यह है कि आपका मामला सिविल प्रकृति का है कि नहीं है तो यह धारा नौ में बताया गया है तो यह प्रारंभिक वाली जो बात है पहली पॉइंट जो हम लोगों ने देखा इसमें हम लोग इन सब की बात करें जिसमें मुख्य परिभाषाएं हैं जिसमें यह बताया गया है कि कौन सूट सिविल नेचर का है जिसको आप सिविल कोर्ट में ले जा सकते हैं कौन सूट सिविल नेचर का नहीं है जिसको आप सिविल कोर्ट में नहीं ले जा सकते अब इसके बाद पॉइंट नंबर टू की बात करते हैं पॉइंट नंबर टू में अगर आप देखेंगे तो भाग में आप देखेंगे वन और शीर्षक में आप देखेंगे वाद सामान्य इसमें आप देखिए इसमें धारा 9 से 35 बी की बात की गई है धारा 9 से 35 बी की बात की गई है और इसमें जो है कई ऐसे आर्डर भी हैं जैसे आदेश चार आदेश पांच आदेश बीस ए आदेश चौबीस आदेश पच्चीस तो इसमें अगर मिश्रित वाले कालम में आप देखेंगे लास्ट में तो आप देखेंगे धारा छब्बीस को आदेश चार के साथ पढ़ते हैं धारा सत्ताईस को सत्ताईस से बत्तीस को आदेश पांच के साथ पढ़ते हैं धारा पैंतीस को पैंतीस ए और पैंतीस बी को आदेश बीस कैपिटल ए के साथ पढ़ते हैं और आदेश 24 और 25 को किसी धारा के साथ नहीं पड़ते अकेले पढ़ते हैं तो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये सारे धाराओं को और आदेशों का मिश्रण है इसमें तो इसमें क्या बात बताई गई है वाद सामान्य में मैं आपको बता दूं इसमें यह बताया गया है कि सूट अगर आपको दाखिल करना है सिविल मुकदमा अगर आपको दाखिल करना है तो आप कहां पे दाखिल करेंगे तो ये सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 21 ए तक बताया गया है कि सूट हमेशा का हमेशा निचली अदालत में आपको दाखिल करना पड़ेगा सबसे निचली अदालत में आपको सूट दाखिल करना पड़ेगा ऐसा नहीं है हमारा सिविल राइट वायलेट हो गया मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं क्यों न सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा दाखिल कर दूं ना अगर मैं रहने वाला बनारस का हूं या हमारा काज बनारस में या कानपुर में एराइज हुआ है तो हमको मुकदमा कानपुर या बनारस से शुरू करना पड़ेगा फिर हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा फिर हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे इसलिए कि हम दिल्ली में रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट एकदम हमारे पास है ऐसा नहीं है तो सूट जो है सबसे निचली अदालत में दाखिल होगा यह बताया गया है इसमें तो ये हमको दिया गया है धारा पंद्रह से लेके इक्कीस के बीच में इसी तरीके से आगे बताया गया है कि मान लीजिए हम किसी के खिलाफ मुकदमा दाखिल करते हैं तो उस बंदे को बुलाया जाएगा कोर्ट में उस बंदे को कोर्ट में कैसे बुलाया जाएगा क्या तरीका है तो उसको बुलाने के लिए समन की बात है कोर्ट उसको समन भेजेगी जो यहां पे देखेंगे आप तो धारा 27 से लेके 32 की बात है और जिसमें आदेश पांच है तो धारा 27 से 32 आदेश पांच किसकी बात करता है मिश्रित वाले कालम में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 27 से 32 आदेश पांच किसकी बात करता है समन कैसे जाएगा अपोजिट पार्टी को जो विरोधी पक्षकार है उसको बुलावा पत्र कैसे जाएगा तो उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया इसमें बताई गई है ऐसे उसको बुलावा पत्र जाएगा और ऐसे वो न्यायालय में उपस्थित होगा न्यायालय में अगर नहीं उपस्थित होगा तो क्या होगा यह सब इसमें बताया गया है इसी तरीके से आगे इसमें बताया गया है कि मुकदमे का खर्चा जैसे मान लीजिए हम किसी के ऊपर अननेसेसरी मुकदमा कर देते हैं हम उसको परेशान करने के लिए मुकदमा कर देते हैं और बाद में मैं मुकदमा हार जाता हूं क्योंकि अननेसेसरी है हमारे पास एविडेंस तो है नहीं मैं तो हार ही जाऊंगा और वो जीत जाएगा लेकिन उसको जो परेशानी हुई दस बीस साल तक वो बेचारा अपना सारा काम काज छोड़ करके कई बार कोर्ट में गया उसने कितना पैसा दिया एडवोकेट को जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी हमने अनावश्यक मुकदमा दाखिल करके उसको परेशान किया था तो आखिर इसका क्या है इसके लिए खर्चे की व्यवस्था है जो सेक्शन थर्ड जो धारा थर्टी फाइव थर्टी फाइव ए थर्टी फाइव बी और आदेश बीस कैपिटल ए में बताया गया है आदेश चौबीस और पच्चीस में भी थोड़ी इसकी बात है तो ये खर्चों की बात है ऐसे खर्चा आपको देना पड़ेगा तो ये है पॉइंट नंबर टू जो स्लाइड में आप देख रहे हैं अब स्लाइड में अगर पॉइंट नंबर थ्री में अगर आप देखेंगे तो इसमें आकस्मिक कार्यवाइया हैं जो धारा पचहत्तर से अठहत्तर और आदेश छब्बीस धारा के कालम में आप देखिए पचहत्तर से अठहत्तर आदेश के कालम में देखेंगे आदेश छब्बीस तो ये धारा पचहत्तर से अठहत्तर जो है आदेश छब्बीस के साथ पढ़ते हैं अब ये दोनों ये सब क्या है धारा पचहत्तर से अठहत्तर और आदेश छब्बीस क्या है इनको हम बोलते हैं कमीशन कमीशन बोलते हैं इसको इसको ध्यान दीजिए आप जैसे मान लीजिए मैंने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और मैं कहता हूं कि जज साहब ये जो प्रॉपर्टी है ना जिसके लिए मैं मुकदमा दाखिल किया हूं ये प्रॉपर्टी हमारी है दूसरा पक्षकार बुलाया जाता है वो कहता है नहीं नहीं जज साहब ये प्रॉपर्टी तो हमारी है हम दोनों लोग साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं हम दोनों लोग गवाह भी प्रस्तुत करते हैं लेकिन सारा प्रस्तुत करने के बाद भी न्यायालय कंक्लूड नहीं कर पाती है कि आखिर प्रॉपर्टी किसकी है तो न्यायालय क्या कर सकती है न्यायालय इसमें कमीशन इशू कर सकती है और कमीशन में कौन होंगे कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा वो जाएंगे मौका मुआयना करेंगे जिसको आप लोकल भाषा में मौका मुआयना कहते हैं तो जाकर के लोकल इंस्पेक्शन करेंगे मौका मुआयना करके वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे रिपोर्ट तैयार करके न्यायालय में लेकर ले सबमिट करेंगे और जब कोर्ट अपना जजमेंट देगी तो कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रख सकती है ऐसा नहीं है कमीशन का रिपोर्ट साक्षे हो जाएगा लेकिन कमीशन का जो रिपोर्ट है यह न्यायालय को निर्णय देने में सहायक होगा तो व्यवस्था है आकस्मिक कार्यवाही में जिसमें इतने धारा और यह आदेश है और यह इसमें प्रोसीजर है अब इसके बाद स्लाइड में अगर आप पॉइंट नंबर फोर की बात करेंगे तो इसमें वाद विशेष है विशेष तरीके का वाद जिसके लिए हमारे पास धाराओं के कालम में देखेंगे आप तो धारा 79 से 88 है और आदेश के कालम में देखेंगे तो आदेश 27 और आदेश 35 है तो धारा 79 से 82 आदेश 27 के साथ पढ़ते हैं मिश्रित वाले कालम में आप देखिए और कामा के बाद लिखा है धारा अट्ठासी को हम आदेश पैंतीस के साथ पढ़ते हैं तो ये दोनों दो बातें हैं सेक्शन सेवेंटी नाइन से एट्टी टू और आदेश ट्वेंटी सेवन क्या है ये है सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जाना या सरकार द्वारा मुकदमा दाखिल किया जाना मान लीजिए मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है या हमको दिल्ली सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है या दिल्ली या उत्तर प्रदेश सरकार हमारे खिलाफ मुकदमा दाखिल करना चाहती है तो यहाँ पे ये प्रक्रिया बताई गई है धारा 79 से 82 और आदेश 27 इसमें बात की गई है तो इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है सीपीसी में जिसको हम बोलते हैं सूचना का सिद्धांत यह धारा अस्सी में दिया गया है सूचना का सिद्धांत ऐसा नहीं है सरकार के खिलाफ हमको मुकदमा दाखिल करना है तो जब मन करेगा तब तो हम मुकदमा दाखिल कर देंगे ना हमको मुकदमा दाखिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको सरकार को सूचना देनी पड़ेगी वह सूचना कैसी होगी दो मंथ पहले की सूचना होगी दो मंथ पहले हम सूचना दे देंगे सूचना देने के बाद हम वेट करेंगे कि सरकार हमारी सूचना के आधार पर जो भी मैं क्लेम कर रहा हूं सरकार मान ले अगर मान लेती है ठीक है नहीं मानती है तो दो महीने के बाद हम रेगुलर सूट फाइल कर देंगे सरकार के खिलाफ तो ये एक तरीके का प्रोसीजर है जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ आप सीधे मुकदमा ना दाखिल करके सूचना के सिद्धांत का पालन करेंगे जो धारा अस्सी में दिया गया है और उसका प्रोसीजर आदेश सत्ताईस में दिया गया है उसी तरीके से जो दूसरा ग्रुप है इसमें सेक्शन 88 और आर्डर 35 जो दूसरा ग्रुप है इसमें मिश्रण वाले में अगर आप देखेंगे मिश्रित वाले कलम में इसको बोलते हैं इंटरप्लीडर सूट अंतराभिव्यक्ति वाद बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं प्रतिवादियों के बीच में वाद प्रतिवादियों के बीच में वाद दाखिल करना जनरली आप देखेंगे जब मुकदमा दाखिल होगा तो एक पक्षवादी होता है दूसरा पक्ष प्रतिवादी होता है लेकिन इंटरप्लीडर सूट ऐसा है जिसमें दो प्रतिवादी आपस में मुकदमा दाखिल करते हैं इसको हम इंटरप्लीडर सूट बोलते हैं, बोलते हैं हैं अंतराविवाची वाद तो इसकी प्रक्रिया दी गई है हम आगे के मॉड्यूल में इसकी हम बड़े डिटेल में बात करेंगे चूंकि अभी हम एक संक्षिप्त अवलोकन की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसमें केवल आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि सीपीसी का पूरा स्ट्रक्चर क्या है तो मैं यही बात अभी आपको बता रहा हूं तो अंतराविवाची वाद है धारा अट्ठासी आदेश पैंतीस इसके बाद अगला मॉड्यूल देखिए आप. नेक्स्ट पॉइंट है, है।, है? हटके जैसे जनरली क्या होता है सिविल मामले में आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट मामले को निस्तारित करती है लेकिन विशेष कार्यवाही में क्या होगी सेक्शन एटी में लिखा हुआ है इसमें कंसिलिएशन मीडिएशन लोक अदालत इस तरीके की बात है माने इसमें मीडिएशन हो जाएगा बीच बचाव हो जाएगा इसमें वार्ता हो जाएगी तो ऐसा नहीं है इसमें न्याय न्यायालय करेगी नहीं इसमें न्याय वार्ता के थ्रू होगी इसमें न्याय एक बिचौलिए के अपॉइंटमेंट के तहत होगी जिसको हमें अपॉइंटमेंट ऑफ मीडिएटर बोलते हैं तो मीडिएटर अपॉइंट कर दिया जाएगा इस तरीके से मामले का निस्तारण होगा यह जो है धारा एटी नाइन टू नाइनटी थ्री और आदेश छत्तीस नेक्स्ट जो पॉइंट आप इसमें देखेंगे पॉइंट नंबर छे पॉइंट नंबर छ में अनुपूरक कार्यवाइया धारा नाइंटी फोर नाइन और आदेश अड़तीस उनतालीस और चालीस यह अनुपूरक कार्यवाही है अनुपूरक कार्यवाही में क्या है इसमें यह है कि पूरा करने के लिए न्याय को पूरा करने के लिए कुछ एडिशनल पावर कोर्ट को दिए गए जो कोर्ट इसमें क्या, क्या क्या पावर है जैसे मैं आपको बताऊं कोर्ट को किसी को गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करने का आदेश कोर्ट को कभी अंतरिम आदेश देना है जिसको हम स्टे आर्डर बोलते हैं आप सुनते होंगे आम लोकचाल की भाषा में कि फला की जमीन पे ना स्टे हो गया है इसको हम बोलते हैं अंतरिम आदेश इसको हम बोलते हैं अंतरिम व्यादेश बोलते हैं कानून की भाषा में अंतरिम व्यादेश स्टे ऑर्डर प्रॉपर्टी पे स्टे हो गया है स्टे का मतलब उस प्रॉपर्टी के उस संपत्ति के चरित्र में छेड़छाड़ नहीं करा जाएगा कैसे छेड़छाड़ नहीं करा जाएगा और कब तक नहीं कराया जाएगा जब तक उस मामले का संपूर्ण निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक उस प्रॉपर्टी के नेचर और फीचर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा इसको स्टे ऑर्डर बोलते हैं तो इसलिए ये जो कार्यवाही है वो अनुपूरक कार्यवाही सप्लीमेंटल एक्शन है जो कोर्ट आगे कार्यवाही के सप्लीमेंट में इसको जोड़ती जाएगी और संपूर्ण न्याय करने का प्रयास करेगी इसी तरीके से आप अगला पॉइंट जब आप देखेंगे स्लाइड में तो है पॉइंट नंबर सेवन ये है अपील अपील एक बहुत बड़ा प्रावधान है सीपीसी के अंदर जिसमें धारा छियानवे से लेकर धारा 112 और आदेश 41 से लेकर आदेश 45 है अब अगर मिश्रित वाले में आप देखेंगे तो यह कई भाग में डिवाइडेड है कामा कामा करके इसको डिवाइड किया गया है आप देखें धारा 96 से नाइन्टी और आदेश इकतालीस ये एक पॉइंट है धारा सौ से एक और आदेश बयालीस ये दूसरा पॉइंट है धारा 104 और आदेश 43, 43 ये तीसरा पॉइंट है धारा 109 से 112 और आदेश 45 ये लास्ट पॉइंट है तो एक तरीके से अपील को हम लोग चार भाग में बांट देते हैं ये चार तरीके की अपील क्या है एक को हम बोलते हैं फर्स्ट अपील एक को हम बोलते हैं सेकेंड अपील एक को हम बोलते हैं अपील अगेंस्ट ऑर्डर आदेशों के विरुद्ध अपील और तीसरे को हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय में अपील तो प्रथम अपील द्वितीय अपील आदेशों के विरुद्ध अपील और उच्चतम न्यायालय में अपील ये चार तरीके की अपील है अब अपील क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं यहां पे पर अवलोकन के लेक्चर में अपील ये है कि जैसे मान लीजिए निचली अदालत से आप मुकदमा हार जाते हैं तो आप अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको आपके दिमाग में था कि हमारा सब कुछ है एविडेंस भी है हमारे पास हम तो मुकदमा जीत जाएंगे जबकि आप मुकदमा हार गए तो आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं आप क्या करेंगे अब आप ऊपरी अदालत में अपील फाइल करेंगे अब ऊपरी अदालत कौन है अगर आपका मामला सबसे नीचे वाले कोर्ट में दाखिल किया गया है तो उसकी ऊपरी अदालत उसके ऊपर वाली है उसके ऊपरी अदालत हाई कोर्ट है उसके ऊपरी अदालत सुप्रीम कोर्ट है तो इस तरीके से आप क्रमशः अपील फाइल करते जाएंगे ऊपरी अदालत में उसके बाद हाई कोर्ट में उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जहां से आपको रिलीफ मिल जाए जहां मिल जाएगी वहां आप चुप हो जाएंगे नहीं मिलते है, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे उसी तरीके से अपोजिट पक्षकार है उसके पास भी अपील का राइट है तो अपील एक तरीके से सेकेंड स्टेज की सिविल प्रोसीडिंग है जिसमें फर्स्ट स्टेज में अगर मैं अपने आप को हारा महसूस करूंगा तो सेकेंड स्टेज में मैं ऊपरी अदालत में रिलीफ प्राप्त करने का प्रयास करूंगा और मैं उस कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और जाकर के न्याय की गुहार लगाऊंगा और जज साहब को अगर सारे दस्तावेजों के आधार पर लगेगा कि हम न्याय के लिए योग्य हैं तो कोर्ट हमारे फेवर में न्याय दे देगी और नहीं तो हमारे खिलाफ मैटर चला जाएगा तो अपील इस तरीके की अपील सुप्रीम कोर्ट तक जाती है एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आदेशों के विरुद्ध अपील जनरली सिविल प्रक्रिया संहिता में डिक्री की अपील होती है जजमेंट और डिक्री की अपील होती है आदेश की अपील नहीं होती अब बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आदेश डिक्री और जजमेंट में क्या फर्क है यह मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन यहां पे आप समझें कि जनरली क्या होता है जजमेंट क्या के डिक्री का अपील होता है जनरली आदेश का अपील नहीं होता लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता में कुछ ऐसे प्रावधान है जहां पे आदेश भी अपीलेबल है और आप आदेश की भी अपील कर सकते हैं तो वो जो देखेंगे इसमें धारा एक और आदेश तैतालीस फोर्टी थ्री ये इसमें गिनाया गया है ये है कि आदेश के विरुद्ध अपील कौन कौन ऐसे आदेश हैं पूरी लंबी लिस्ट है इसमें कौन कौन ऐसे आदेश हैं जो अपीलेबल नेचर के हैं ये पूरी लिस्ट इसमें बताई गई है तो ये अपील की बात थी जिसमें हम लोगों ने इतने प्रावधान को देखा इतने सेक्शन इतने आर्डर अब आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट में इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर एट पॉइंट नंबर एट में आप देखेंगे तो तीन बातें हैं लिखा हुआ है स्लाइड में थोड़ा आप ध्यान दें निर्देश है पुनर्विलोकन है और है निर्देश पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण इसके लिए हमारे पास जो धाराएं हैं वो धारा 113 से लेकर 115 तक है और इसमें दो आदेश हैं हमारे पास आदेश 46 और आदेश सैतालीस तो ये दो आदेश हैं और इतनी धाराएं हैं अब ये तीनों चीज क्या है मैं आपको बताऊं निर्देश निर्देश क्या है निर्देश जो है न्यायालय से न्यायालय के बीच की प्रक्रिया, की प्रक्रिया है जैसे मान लीजिए कोई मामला निचली अदालत में लंबित है और निचली अदालत को उस मामले को निस्तारण करने में कठिनाई आ रही है क्योंकि निचली अदालत को कठिनाई इसलिए समझ में आ रही है कि बहुत वो क्लिष्ट मामला है बड़ा उलझा हुआ मामला है जिसमें कानून का उलझन है या जिसमें फैक्ट का उलझन है फैक्ट का जिसमें उलझन है और निचली अदालत उसको सुलझा नहीं पा रही है तो निचली अदालत इस मामले को निर्देशित कर सकती है कि इसको उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय से राय मांग सकती है कहेगी कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है बड़ा डिफिकल्ट मैटर है इसलिए चूंकि आप सीनियर हैं आप थोड़ा अपने इसमें ओपिनियन हमको दीजिए तो उच्च न्यायालय इसमें निचले अदालत को ओपिनियन दे भी सकती है अगर उचित समझेगी और नहीं उचित समझेगी तो नहीं भी दे सकती है उसके ऊपर बंधनकारी नहीं है कोई इनको ये जब निर्देश भेजेंगे तो अपना ओपिनियन देगी ही देगी लेकिन देती भी है अगर लगेगा कि नहीं मामला कॉम्प्लिकेटेड है तो हाई कोर्ट देती भी है तो इस तरीके से लोअर कोर्ट जो है, को को है, है, तो है, है पुनर्विलोकन पुनर्विलोकन हमेशा का हमेशा सिविल मामले में हाई कोर्ट में होता है कोई भी मामला जो निचली अदालत से निस्तारित हो गया है और जो अपीलेबल नहीं है जिसकी अपील नहीं हो सकती उसमें अपील का प्रावधान नहीं है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं उसमें आप पुनर्विलोकन दाखिल कर सकते हैं और पुनर्विलोकन में जाएंगे तो उस कोर्ट से कहेंगे कि भाई थोड़ा सा आप इसको देखिए पुनर्विलोकन उसी न्यायालय में होता है जिस न्यायालय ने मामले को निस्तारित किया इसको रिव्यू बोलते हैं तो उसी मामले में होगा जिस कोर्ट ने डिसाइड किया है उसी कोर्ट में आप रिव्यू डालेंगे और उस कोर्ट से कहेंगे फिर से आप इसको देख लीजिए हालांकि मैटर ठीक है लेकिन इसमें क्लरिकल मिस्टेक है इसमें अरिथमेटिकल मिस्टेक है इसमें एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन है और इसलिए आप इसको ठीक कर दीजिए तो आप जब अपना एप्लीकेशन देंगे कोर्ट आपके एप्लीकेशन के बाद देखेगी अगर कोर्ट को उचित महसूस होगा तो कोर्ट उसको ठीक कर देगी नहीं उचित महसूस होगा तो नहीं भी ठीक करेगी तो ये आप इसमें पुनर्विलोकन डाल सकते हैं और लास्ट में पुनरीक्षण है पुनरीक्षण को हम बोलते हैं पुनरीक्षण हमेशा का हमेशा हाई कोर्ट में होता है में क्या होता है जो भी मामला लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया है लेकिन सिविल मामले में केवल और केवल पुनरीक्षण का जो जो अधिकार है वो केवल और जुडिसिक्सन केवल और केवल हाई कोर्ट को दिया गया, तो हाँ गया है तो कोर्ट निचली अदालत के मामले को एक तरीके से फिर से देख लेती है इसका पुनरीक्षण कर लेती है तो इस तरीके से अपील रेफरेंस रिव्यू रिवीजन ये चारों सेकेंड स्टेज के सिविल प्रोसीडिंग है जिसमें पहले कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है इसके बाद आप अपील भी कर सकते हो आप रिव्यू भी डाल सकते हो आप रिवीजन भी डाल सकते हो या आप रेफरेंस भी भेज सकते हो तो ये चारों नेक्स्ट स्टेज माने सेकेंड स्टेज की सिविल प्रोसीडिंग है इसी क्रम में अगर आप आगे बढ़ेंगे इस स्लाइड में इसी अवलोकन के दौरान अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है पॉइंट नंबर नाइन पॉइंट नंबर नाइन विशेष उपबंध की बात करता है विशेष उपबंध यह विशेष उपबंध क्या है यह धारा 116 सो से लेकर 120 के बीच में विशेष उपबंध है यह विशेष उपबंध उच्च न्यायालयों को दिया गया है उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय इसमें नियम भी बना सकता है कैसा इसको हम बोलते हैं देखिए हाई कोर्ट सिविल रूल्स एंड आर्डर्स हर जगह सीपीसी चूकी सेंट्रल लेजिस्लेशन है और यह जो बनी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में चलती है लेकिन हर स्टेट का भौगोलिक हर स्टेट का जो लोकल नीड है वो थोड़ी अलग अलग है क्योंकि भारत जो है ना ये पेुलर कंट्री है बहुलतावादी देश है तो बहुलतावादी देश में तमाम तरीके के लोग रहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जो समस्या यूपी में है वो समस्या साउथ में भी तमिलनाडु में भी होगी और वही समस्या अरुणाचल प्रदेश में भी हो गई और वही समस्या कश्मीर में भी हो गई कोई जरूरी नहीं है यूपी की अपनी समस्या हो सकती है क्योंकि यूपी का लैंड स्ट्रक्चर यूपी का सोशल स्ट्रक्चर अपने तरीके का है भाषाएं अपनी तरीके की हैं लेकिन अगर दूसरे पार्ट में आप जाएंगे तो उसका पैमाना ज़मीन का अलग है तो वहाँ पे जो रेवेन्यू के कोर्ट्स हैं और रेवेन्यू का जो सिस्टम है वो भी अलग अलग है तो सीपीसी चूकी पूरे देश में लगती है लेकिन कहीं कहीं ऐसे जगह हैं जहां पे लोकल लेवल पे लोकल रूल्स की जरूरत पड़ जाती है ताकि उस स्टेट के नीड को सेटिस्फाई किया जा सके तो इसलिए हाई कोर्ट को इसमें पावर दिया गया है कि हाई कोर्ट इसमें रूल्स बना सकती है तो इसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट सिविल रूल्स एंड ऑर्डर्स तो सिविल रूल्स एंड ऑर्डर्स बना करके हाई कोर्ट इसको अकॉर्डिंगली बना करके सीपीसी को उस स्टेट लायक बनाती है ठीक है ना हालांकि ये सीपीसी के कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं होता है सीपीसी के कॉन्सोनेंस में चलता है बस इसमें इतना ही होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया को सूट करे वो रूल ताकि वहाँ पे जो भी जनसामान्य की समस्याएं हैं उसको अगर सीपीसी नहीं रीच कर पाती है वहां तक तो ये रूल वहां पे रीच कर जाएंगे इसके लिए हाईकोर्ट को ये पावर दिया गया आगे आप देखेंगे साधारण नियम की बात है इसके बाद हमारे पास है धारा एक, एक से लेकर एक तक धारा एक सौ एक सौ इकतीस तक साधारण नियम की बात करता है और यह नियम राज्यों के ऊपर है राज्य भी इसमें कानून बनाते हैं और नियम बनाते हैं जैसे हर राज्य भी इसमें बनाता है सीपीसी को बना दिया सेंट्रल लेजिस्लेचर ने दिल्ली में बैठी हुई पार्लियामेंट ने सीपीसी को बना दिया और इसमें संशोधन भी समय समय पर कर दिया लेकिन चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है थोड़ा समय इसमें बताऊं आपको कंकरेंट लिस्ट अगर भारत के संविधान में आप देखेंगे विषय वस्तु बताया गया किस विषय में कौन लेजिस्लेचर कानून बनाएगा तो एक है यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट दिल्ली की पार्लियामेंट कानून बनाएगी स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएंगे हर राज्यों की विधायिका बनाएगी और कॉन्करेंट लिस्ट है शेड्यूल में जिसको यूनियन की पार्लियामेंट भी कानून बनाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बनाएंगे तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों विधायिकाओं को बराबर पावर दिया गया है कानून बनाने का यह प्रोसीजर जो है कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है यह तीसरी अनुसूची सेवेंथ अनुसूची के तीसरे सब्जेक्ट मैटर का विषय वस्तु है इसलिए इसमें दोनों लेजिस्लेचर को पावर है इसीलिए एक सौ इक्कीस से लेकर एक सौ इकतीस में स्टेट के पास पावर है स्टेट लेजिस्लेचर इसमें रूल्स बना सकता है जो उस स्टेट को सूट करेगा तो हाई कोर्ट को भी पावर है स्टेट को भी पावर है तो स्टेट अमेंडमेंट समय समय पे भी होते रहते हैं जैसे मान लीजिए सीपीसी में अगर महाराष्ट्र में अमेंडमेंट होता है तो महाराष्ट्र में लागू होगा अगर यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें अमेंडमेंट करती है तो केवल पूरे यूपी में लागू होगा तो इस तरीके से यूपी को महाराष्ट्र को पंजाब को बिहार को भी पावर है कि वो इसमें समय समय पर अमेंडमेंट कर दें इसी क्रम में जब लास्ट पॉइंट आप देखेंगे तो लास्ट पॉइंट है पॉइंट, पॉइंट 11, ये है जैसे इसमें बताऊं क्या है मिश्रित धाराओं में कुछ लोगों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है सीपीसी के द्वारा क्या विशेष संरक्षण है इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जैसे जजेज हैं मजिस्ट्रेट है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं पार्लियामेंट के लोग हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं कमेटी और कमीशन के मेंबर्स हैं इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इनके अगेंस्ट कोई सिविल प्रोसेस इशू नहीं होगा तो इस तरीके का प्रोटेक्शन इनको दिया गया इसलिए दिया गया है कि अगर इनको आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो सिविल सूट के निस्तारण में बार बार अगर इनको न्यायालय में आप बुलाएंगे तो पब्लिक फंक्शन प्रभावित होने लगेगा क्योंकि ये पब्लिक फंक्शनरी इनको बहुत ज्यादा पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करना है तो इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता में इनको इनको विशेष दिया गया कि भाई इनको आप तभी गिरफ्तार करेंगे इनके खिलाफ तभी इशू होगा जब सीपीसी के द्वारा परमिशन होगा नहीं तो इसको जनरली इन लोगों को बादर नहीं करना है सिविल मामले में तो ये विशेष उपबंध है इसमें और भी कुछ बात है कि जैसे मान लीजिए सिविल कोर्ट को जजमेंट देना है और कुछ ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें सीपीसी साइलेंट है जिसमें सीपीसी पे कोई उत्तर नहीं है तो सिविल कोर्ट क्या करेगी तो सिविल कोर्ट के पास इसमें इनहरेंट पावर है कुछ भी कर सकती है कोई भी आदेश दे सकती है और उसमें सीपीसी अगर साइलेंट भी है तब भी कोर्ट उसमें जजमेंट अपना दे सकता है तो इनहरेंट पावर में यह सारी बातें सिविल कोर्ट को दिया गया है तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने सीपीसी का एक अवलोकन किया जिसमें सारी धाराओं और आदेशों को एक तरीके से मैं आपने बताने का मैंने आपको प्रयास किया तो कुल मिलाकर के मैं एक बार कंक्लूड करते समय बताऊं कि इसमें हम लोगों ने क्या किया तो इसमें हम लोगों ने बस इतना ही समझा कि जो सब्जेक्ट है जिसको 20 लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है ये सब्जेक्ट क्या है तो इसको हम लोगों ने देखा इसका नाम सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा भी दी है जो सिविल अधिकारों के संरक्षण की बात करती है सिविल अधिकारों के इंप्लीमेंटेशन की बात करती है और ये कैसे काम करती है इसमें कितनी धाराएं हैं इसमें कितने आदेश हैं इसकी प्रकृति क्या है ये कैसे शुरू हुई और आज तक कैसे आ गई इसमें महत्वपूर्ण संशोधन क्या हुए ये सारे हम लोगों ने देख लिया इसमें कौन सेक्शन किस आदेश के साथ पढ़ते हैं किस धारा को किस आदेश के साथ पढ़ते हैं और किस धारा और आदेश में क्या लिखा हुआ है ये मोटा मोटी एक चीज हम लोगों ने जानने का प्रयास किया तो एक तरीके से पूरे सी के स्ट्रक्चर को मैंने आपके सामने बताया तो ये हमारा पहला लेक्चर था इस विषय का जिसमें हमने इस चीज को बताया अब जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है सिविल प्रकृति का वाद क्या है यह मैं दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा और उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि चलिए सीपीसी में अगर सिविल सूट दाखिल करना है तो आप कैसे इसको दाखिल करेंगे तो ये हम लोग दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इस तरीके से मैंने आपको समअप किया इसको तो सभी लोगों को धन्यवाद क्योंकि इस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया आप इसको समझेंगे मैं उम्मीद करता हूं तो हमारे तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू Hello, good morning, everybody. I am uh, Raghunandan Sengupta. So, I will just give you uh, the a very brief uh, excitement area of finance, which is quantitative finance, and that has a huge market starting around about 10 years back and it is exploding exponentially. So, what uh, do we mean by quantitative finance? Quantitative finance is actually the application of different mathematical and statistical techniques. In the area of financial markets, be it, say, for example, derivative pricing, be it in the area of, say, for example, portfolio management, be it in the area of asset liability management, be it in the area of portfolio management, we see that the application has exploded in such a way that there is a huge opportunity for people who have a quantitative background in mathematics and statistics, they can utilize those in the area of finance. But obviously, with some Prior knowledge of, of, of uh, finance as a subject. Now, when we say about quantitative finance, as I said, it is an area of applied mathematics and statistics applied in, in financial markets. Use of different areas, if somebody is interested to know, we have stochastic calculus, we have derivative pricing, we have operation research, we have quantitative techniques like differential uh, equations, stochastic calculus, time series. And they are heavily used in the area of quantitative finance, as I mentioned. Now, we all know that in, 2000, in 1997, the Nobel Prize in Economics, so it is basically the Nobel Memorial Prize in Economics, was given to the work of Merton and Scholes in the area of derivative pricing, and after that there has been exponential increase in the area of, of quantitative techniques in, in, in quantitative finance and in the area of, of different type of derivative pricing. with the advent, moreover, with the advent of, of high ended and sophisticated computing data, big data has come in a very big way where application areas, starting from computing, from different type of algorithm design, have been taken up in such a big way. That nowadays, at least, we are able to understand that how high frequency data algorithm trading can be utilized using the concept of quantitative finance in the area of, of finance as such. But there is a flip side also, obviously, when 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 there is a huge amount of development, so obviously, due to some regulation errors or something, there has been some some pitfalls. Which I think is should be a bullet point for people who are in, really interested to take up quantitative finance. They should be aware. So consider the financial crisis in 2008 and later on, and we are seeing different banks are failing, different financial institutions are facing a problem, countries are facing a problem like in Europe, in 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 in, in USA. So what it should be done? So the main thing is that even if you know the technique is best for people who are investors who are private players organizations like banks government should use these techniques in a very somber manner such that the application areas of quantitative finance using the techniques which we learned can be utilized in the best possible way to garner the overall the in-depth knowledge a person has in trying to utilize these quantitative techniques in finance and I am sure that people who have the background, who have the knowledge, who have the, the sophistication, who have the, the knowledge of the society can definitely use quantitative finance in a very big way in trying to make their mark in this exciting field, which you are going to see in years to come. And I am sure it will be a very exciting learning tool for all the participants who, who will take quantitative finance as a, as, a, as a subject in years to come thank you and i am and i wish all the participants all the best and best of luck for the programs they will take thank you